हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। ओके, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द चैप्टर ऑफ SST, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है यातायात के साधन। जब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है और तब आप जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हो तो वो क्या कहलाते हैं? यातायात के साधन। ठीक है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स, देयर आर थ्री मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यातायात के तीन मेन साधन होते हैं। दे आर लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसके लिए यातायात के तीन आपके इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट होते हैं। फर्स्ट इज़ योर लैंड ट्रांसपोर्ट, सेकेंड इज़ योर एयर ट्रांसपोर्ट एंड थर्ड इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन व्हाट इज़ लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं, कार, स्कूटर, बस, दीज आर द एग्ज़ाम्पल ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। अब हम इन्हें लैंड ट्रांसपोर्ट क्यों बोलते हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट मूव ऑन लैंड ओनली आर कॉल्ड लैंड ट्रांसपोर्ट। यातायात के वो साधन जो केवल लैंड, मतलब केवल ज़मीन पर चलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो यातायात के साधन केवल ज़मीन पर चलते हैं हम उन्हें लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्लियर? नाउ योर सेकंड ट्रांसपोर्ट इज एयर ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट मूव इन द एयर ओनली आर कॉल्ड एयर ट्रांसपोर्ट। अब एयर ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? आपके हवाई यंत्र, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं एरोप्लेन। एरोप्लेन आपका क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट है, जो कि आपका कहाँ उड़ता है? हवा में। ठीक है, सो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट मूव इन द एयर ओनली। यातायात का वो साधन जो केवल कहाँ मूव करता है, कहाँ चलता है? एयर, मतलब हवा में। ठीक है, तो उस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं? एयर ट्रांसपोर्ट। क्लियर? योर नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट इज वाटर ट्रांसपोर्ट। आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे क्या बना हुआ है, शिप, मतलब जहाज। तो जहाज कहाँ चलता है? पानी में। तो वाटर ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? पानी में चलने वाले आपके यातायात के साधन। ओके, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट मूव ओनली ऑन वाटर आर कॉल्ड वाटर ट्रांसपोर्ट। यातायात के वो साधन जो केवल पानी में चलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पानी के यातायात के साधन, मतलब जो आपके ट्रांसपोर्ट पानी में चलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी? जैसे शिप हो गया, बोट हो गई। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इन ओल्डर डेज एनिमल्स वर यूज्ड अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पुराने दिनों में जो आपके एनिमल्स हैं, मतलब जो जानवर हैं, उन्हें यातायात के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि कार्ट्स, कार्ट्स मतलब गाड़ी, उसको कौन पुल करता था, कौन खींचता था? बुलक्स, हॉर्सेस एंड कैमल्स वर यूज्ड
to carry people and goods from one place to another. कहने का मतलब क्या है कि पुराने समय में जानवरों को यातायात के साधन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि आपकी गाड़ी से कौन खींचता था, बैल या घोड़े या ऊँट। तो जानवरों का इस्तेमाल यातायात के साधन में क्यों होता था पुराने समय में? ताकि लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकें। क्लियर? अभी भी कई जानवर ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल अभी भी होता है सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए। क्लियर? जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बनी हुई है, बुल्लक कार्ड बनी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे कैमल कार्ड बनी हुई है। जिन्हें कौन लेके जा रहा है? एनिमल्स लेके जा रहे हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं कि पुराने समय में जो आपका सामान है और जो लोग हैं उन्हें कौन लेकर जाते थे? एनिमल्स। और अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? एनिमल्स का इस्तेमाल होता है। किस लिए? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब यातायात के साधन के लिए। क्लियर? सो आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। टुडे आई एक्सप्लेन द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दिस चैप्टर। सो ओके, थैंक यू।